प्राप्तियां भी इसमें सम्मिलित हैं। पिछले साल कुल 638 करोड़ रुपया खर्च किया गया हुआ था। जेपी स्पोर्ट लिमिटेड के नाम से जेपी एसोसिएट की सहयोगी संस्था है, वो जेपीएसएल के नाम से जानी जाती है। उसके द्वारा एसडीजेड एक योजना हमारे यहाँ निकाली गई थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया था और उनको 1000 हेक्टेयर का अलाटमेंट हुआ था, जिसमें कि फार्मूला 1 बना है। कुल 25 एकड़ का आवंटन किया गया था। इसमें लगातार जो है वो जेपीएसएल द्वारा डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है, प्राधिकरण के पैसे डिफ़ॉल्ट किए जा रहे हैं, बारिश के परियोजनाएं नहीं पूरी की जा रही हैं, और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने के बाद भी कमिटमेंट को नहीं पूरा किया जा रहा था। इसमें प्राधिकरण का 3 से 35 करोड़ रुपया, इसके अलावा 5 करोड़ रुपया और बाकी है। कुल इन्होंने तमाम बिल्डर्स को, 11 बिल्डर्स को भी प्लाट लीज सब डिवीज़न करके लीज दिया था। इसके अलावा 10 प्रोजेक्ट्स में बाढ़ से करीब 2000 करोड़ रुपए की वसूली कर रखी है, जो कि परियोजना नहीं पूरी कर रहे हैं। तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया कि ये भूखंड लीज डीड के शर्तों के उल्लंघन के प्रकाश में निरस्त कर दिया जाए, तो ये प्लाट पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। और इसमें जो थर्ड पार्टी राइट्स हैं और जो बायर्स हैं, उनका हित सुरक्षित रखा जाएगा। उसके लिए जो मॉडलिटीज़ हैं वो बाद में डिसाइड की जाएंगी।